हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए जन्माष्टमी है और आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई। फ्रेंड्स, तो हमने अपनी जन्माष्टमी किस तरह से मनाई है आज हम वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, ये हम जा रहे हैं मंदिर, रात के 11 बज गए हैं और हमने घर में दिया बाती कर दी है। उसके बाद हम आए हैं मंदिर, तो हमने कुछ भोग बनाया था कान्हा जी के लिए, तो हम मंदिर में भोग लगा देंगे। भोग चढ़ाने के बाद हमें फिर से वापस अभी घर जाना है, क्योंकि हम हर साल घर पर ही जन्माष्टमी मनाते हैं। ये हमारे घर के बगल में मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो हमें यहाँ भी शामिल होना रहता है। तो 11 बज चुके हैं। हमने सोचा है कि जल्दी से हम कृष्ण जी की पूजा मंदिर में भी करके आ जाएं और उसके बाद पूरा घर का देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम भी हो रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं और मंदिर में बहुत सारे भक्तों की भीड़ भी है। काफ़ी अच्छा मंदिर को डेकोरेट किया गया है। कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। ये हमारे कान्हा जी हैं मंदिर वाले। तो देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, बच्चे हैं और यहाँ बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पड़ोस के जितने लोग हैं सब आए हुए हैं मंदिर पे। आप देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये हमारे मंदिर के पंडित जी हैं जो कि आ गए हैं। हम लोग आए हैं पूजा करने, तो हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है। ये देखिए हमारे आयुष्मान हैं, कान्हा बने हुए हैं। ये हमने भोग बनाया था, माखन बनाया था, पंजीरी बनाई थी, खीर बनाई थी कान्हा जी के लिए, तो हम वही लेकर आए हैं भोग लगाने के लिए। दिया बाती भी हम यहाँ पर करेंगे, धूप जला देंगे, कान्हा जी का झूला भी झुलाएंगे। पूरी विधिवत पूजा हमको मंदिर में भी करनी रहेगी, तो हम इसीलिए जल्दी यहाँ पर आए हुए हैं। और 12 बजे हम अपने घर पे पूजा करेंगे, जैसा कि हम हर साल करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम घर पर नहीं करते थे, जब से हमारे आयुष्मान हुए हैं लगभग 5 साल हो गया होगा, हम हर साल जन्माष्टमी घर ही पर मनाते हैं। मंदिर पे हम ऐसे ही जाते हैं, पहले पूजा कराते हैं, उसके बाद घर की पूजा हम करते हैं, क्योंकि मंदिर में तो पंडित जी रहते हैं, पूजा करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन घर में भी हमें 12 बजे के करीब पूजा करनी रहती है, तो हम मंदिर 12 बजे नहीं आ पाते हैं। 12 बजे हम घर की पूजा करते हैं, तो बच्चे सारे मगन है, फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, डांस हो रहा है, तो हमने साउंड को बंद कर दिया है ताकि हमारे चैनल पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि म्यूज़िक है तो कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए हमने म्यूज़िक को स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है। और आपको यूं ही हम सीन दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, कृष्ण राधा बने हुए हैं और हमारी पूजा इधर हो रही है। हम फल घर ही पे भूल आए हैं, तो हस्बैंड हमारे फल लेने गए हैं, मैंने उनको दोबारा भेजा है। फल हम जल्दी जल्दी में आए थे तो फल भूल आए हैं घर पे, तो वो घर पे फल लेने के लिए गए हैं। तब तक हम पूजा कर रहे हैं और वो अभी अभी आ जाएंगे फल लेकर। हमने थाली में फल निकाल के रखे थे, लेकिन आते समय हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और हम लोग यूँ ही चले आए। तब तक आप लोग डांस देखिए बच्चों का। ये देखिए, ये बच्चे सारे डांस कर रहे हैं, सब बच्चे हमारे पड़ोस के ही हैं, पड़ोस के हमारे घर ही के बच्चे हैं। तो कान्हा जी का हम आशीर्वाद भी ले लेते हैं, तब तक कान्हा जी के फल भी आ जाएंगे, वो फल लेके आ रहे होंगे। बारिश हमारे यहाँ आज बहुत ज़्यादा हुई है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कान्हा जी का जब जन्म हुआ था जैसी बारिश उस टाइम हो रही थी, उसी तरह की बारिश आज हुई है। फ्रेंड्स, बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ, रास्ता बहुत ख़राब है, रोडों पर भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो देखिए फल आ गए हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये हनुमान जी हैं, तो हम हनुमान जी को भी फल चढ़ा रहे हैं। हनुमान जी की पूजा हमने कर ली है। मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, ये मानिए कि सभी भगवान यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ होने की वजह से हम सब जगह पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है निकलने का,
प्रोग्राम हो रहा है तो लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ से, तो कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, कान्हा जी के पास आने का रास्ता है सिर्फ। तो हम लोग कान्हा जी के पास आए हैं और चारों तरफ लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यह हमारी कान्हा जी की पूजा हो रही है, बाल गोपाल की पूजा हम लोगों ने कर ली है। पूजा करने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर। बच्चे हमारे मंदिर में ही हैं, सुबह से यहाँ पर सजावट हो रही थी तो बिटिया बड़ी वाली थोड़ा सा इस मंदिर में ध्यान दिए थी, और छोटी बिटिया को बहुत ज़्यादा होमवर्क करना था, घर का काम मिला था स्कूल से तो बहुत काम था। बिटिया सुबह से स्कूल का काम कर रही थी, कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं और बैठे बैठे बोल रही थी कि मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। तो छोटी बिटिया तो बहुत परेशान है, उनका तो कोई त्यौहार नहीं लग रहा है, जन्माष्टमी लग ही नहीं रही उनके लिए कि जन्माष्टमी भी है। वो पूरा दिन राइटिंग की हैं, उनका जो स्कूल से वर्क मिला था वो वही करी हैं आज पूरा दिन। अब हम घर आ गए हैं और घर की पूजा भी हमें करनी है, तो हम यहाँ का भी पूरा कर रहे हैं। दिया बाती हमने कर दी है, दिया बाती हमने पहले ही कर दी थी और अब आए हैं तो कान्हा जी को हम फूल माला पहनाएंगे। ये आयुष्मान हमारे कान्हा जी को बार बार झूला झूला रहे हैं। अब हम कान्हा जी को घर पर भी भोग लगाएंगे, जो चीज़ें हमने बनाई हैं सब कुछ निकाल देंगे। देखिए गाय कितनी सुंदर लग रही है और गुड़िया हमारी कितनी अच्छी लग रही है, ये हम आज लाए हुए हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे। और अब हम कान्हा जी का भोग लगा रहे हैं घर पे, हमने फूल माला पहना दी है। ये बिटिया ने माखन बनाया है, हमारे घर में सब लोगों ने अलग अलग मक्खन बनाया है। छोटी बिटिया ने अलग माखन बनाया है, बड़ी बिटिया ने अलग बनाया है, मैंने अलग बनाया है, इनके पापा ने अलग बनाया है, और सब लोगों ने अपना अपना मक्खन बनाकर एक मटकी में भर दिया है। तो देखिए मटकी को भी कलर किया गया है, बिटिया ने कलर किया है, और उसी मटकी में हम लोगों ने मक्खन रख लिया है, अपना अपना मक्खन जो हम लोगों ने निकाला था। मटकी हमारी भर गई है, थोड़ी सी मटकी खाली बची है, नहीं तो पूरी भर जाती। तो ये देखिए हमने भोग में कान्हा जी के लिए पनीर वाला केक बनाया है, बड़ी बिटिया ने बनाया है, पंजीरी मैंने बनाई है, खीर हस्बैंड ने बनाई है, और सब कुछ जितने मेंबर हमारे घर में हैं सब लोगों ने एक एक आइटम बनाया है। आयुष्मान हमारे कुछ नहीं बना पाते हैं तो उन्होंने नहीं बनाया है, और हम सब लोगों ने मिलकर कान्हा जी के लिए बढ़िया बढ़िया सब भोग तैयार किया है। पनीर की सब्जी मैंने बनाई है, चावल भी बनाया है, मिक्स वेज बनाया है, पूड़ी बनाई है, सब कुछ कान्हा जी के लिए बना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन फ्रेंड्स सुबह से काम करते 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 बहुत थकान भी हो रही है, और अब 12 बज गए हैं तो बिल्कुल पैर उठ ही नहीं रहे हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब हम यही सोच रहे हैं कि कान्हा जी की आरती हो जाए, जन्म हो जाए, उसके बाद आराम किया जाए, क्योंकि सुबह से आज फास्ट भी था पूरा दिन से, और कुछ काम इतना ज़्यादा आ गया आज कि पूरा दिन से भागा दौड़ी मची हुई थी, और थकान इसी वजह से बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये देखिए केक बिटिया ने सजाया है, और ये फल हैं, तो हम आपको फ्रंट से भी दिखा दे रहे हैं। बैक से हमने वीडियो थोड़ी शूट की है तो बहुत ज़्यादा ब्लैक आई है, और ये हमने फ्रंट से बनाई है तो ये वीडियो साफ़ आ रही है। तो देखिए हमने क्या क्या तैयारियाँ की थी जन्माष्टमी पे। कान्हा जी के लिए इस बार हम झांकी नहीं बना पाए, वैसे हम हर बार झांकी बनाते थे, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से हम पूरा दिन व्यस्त रहे फ्रेंड्स। तो हम
हमने भजन कीर्तन भी किया था, ज़्यादा नहीं, हमने आधा घंटे भजन कीर्तन किए थे सब लोग मिलके। और कोई बाहर का नहीं है, क्योंकि बाहर से भी सब लोग आते थे। जब 2 दिन की जन्माष्टमी पड़ती थी तो हमारे पड़ोस से हमारी चाची वाची भी आती थी, हमारी देवरानी हैं जो, वो लोग भी आ जाया करती थी। लेकिन इस बार जन्माष्टमी सब जगह एक ही दिन पड़ी है, तो वो सब लोग मंदिर में हैं, तो इसीलिए हम घर ही पे थोड़ा सा एक भजन गा लिए हैं बिटिया और हस्बैंड के साथ मिलकर ढोलक बजाकर। बड़ी तमन्ना थी कि कान्हा जी का एक भजन गाएं, तो हमने भजन को गा लिया है। और अब हो रही है हमारी आरती, हमारी पूजा हो चुकी है। आरती हम सब ने एक एक करके नंबर से की है, तो अभी हम कर रहे हैं, फिर हस्बैंड करेंगे, बच्चे भी करेंगे, एक एक करके सब लोग आरती करेंगे, कान्हा जी का आशीर्वाद लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जन्माष्टमी मनाई। आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो देखिए अभी बिटिया की आरती होनी बाकी है, छोटी बिटिया बहुत ज़्यादा पीछे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, पूरा दिन से काम कर रही थी स्कूल का, थक गई हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आगे नहीं आ रही हैं, उनको हमें बार बार बुलाना पड़ रहा है। थकान की वजह से बोल रही हैं कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, 4-5 घंटे वो लगातार बैठी रही हैं। देखिए अब आई हैं आखिरी में, 4-5 घंटे लगातार बैठने की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इतनी छोटी हैं, मैंने इनको बोला था कि व्रत ना रखो, ये व्रत भी रखी हैं, इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई है, तो काफ़ी परेशान हैं ये। पूजा पाठ से पीछे हट रही थी, कह रही थी हमें नहीं आना है, लेकिन हमारे कहने पर ये आई हैं।